Studying chapter electromagnetic induction, and in previous topic we covered magnetic flux. Now we are going to start Faraday's experiment. ठीक है, total there are three experiment. Basically आपको यहाँ पर जब भी experiment पूछा जाए तो you must know the construction. तो in experiment one magnetic bar magnet is taken which is represented by and north and south, then a coil connected with galvanometer was kept. ठीक है, now let us see what happened in this experiment. तो basically क्या हुआ बच्चों कि जब भी whenever there is relative motion, ठीक है, जब भी हमने बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन में कराया टूवर्ड्स द कॉइल, व्हाट वी नोटेड दैट देयर वाज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. और डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर तभी पॉसिबल है जब सर्किट के अंदर पोटेंशियल वोल्टेज और जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तभी वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा. तो व्हाट हैपेन इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कटिंग एट डिफरेंट एंगल एट सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने देखा सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है जिसमें हम लिखेंगे अ बार मैग्नेट एंड अ क्वाइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर. ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन था इस एक्सपेरिमेंट का, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट. ठीक है, सबसे पहले हमने रिलेटिव मोशन कराया, और जब हमने रिलेटिव मोशन कराया तो हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन है. तो ये क्यों हुआ, बिकॉज इट इंड्यूस द पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द क्वाइल. थर्ड पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट इज का दैट द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर वाज रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड मैग्नेट. कहने का मतलब है जब तक बार मैग्नेट का और क्वाइल के बीच रिलेटिव मोशन था तभी तक डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर था. जैसे ही आप बार मैग्नेट को रेस्ट पे कर देते थे डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर वॉज जीरो. ठीक है, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द क्वाइल कैन बी मूव बाय द फिक्सिंग मैग्नेट, यानी कि रिलेटिव मोशन हमें चाहिए. या तो आप मैग्नेट को मूव कराओ या तो आप मैग्नेट को फिक्स करके क्वाइल को मूव कराओ तो भी सेम ऑब्जर्वेशन आएगा. पॉइंट नंबर टू, बोथ द क्वाइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव टूवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी आप उसे टूवर्ड्स भी ले जा सकते हो जिसे हम टू कहते हैं, एंड फ्रो यानी आप दूर भी ले जा सकते हो. यानी कि जो कंडीशन है बेसिकली यहाँ पर यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी जरूर होनी चाहिए तभी आपका डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में. थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेट. एंड फोर्थ पॉइंट, करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, यानी जितना ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी आप रखोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ है. और करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ज्यादा है. तो यही बाद में फराडे का लॉ भी बनेगा, तो हम आगे देखेंगे, बट हियर वी आर जस्ट डीलिंग विद द एक्सपेरिमेंट. तो फराडे एक्सपेरिमेंट नंबर टू की बात करते हैं. अगेन आपने यहां देखा कंस्ट्रक्शन में अ क्वाइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड अ क्वाइल कनेक्टेड विद बैटरी थ्रो अ की. ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या है, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू. यहां पर हमने जो की के है दैट इज स्विच, इसको जब हमने ऑन किया दैट इज क्लोज किया तो करंट इंक्रीज हुआ जीरो से मैक्सिमम वैल्यू. अब सिंस जो करंट है वो अचानक इसमें इंक्रीज हुआ है तो होता क्या है कि जो एडजेसेंट हमारे पास क्वाइल है जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है वो एक्सपीरियंस फ्लक्स चेंजेस, तो वहां पर एक फ्लक्स चेंज होना शुरू होता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो करंट इंड्यूस है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी क्वाइल, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस द सेकेंडरी क्वाइल एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी क्वाइल. ठीक है, तो आपने जैसे ही सर्किट वन में जिसे हम प्राइमरी कह रहे हैं इसमें आपने करंट को चेंज कराया, हमने क्या देखा
जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने जैसे ही इसे ऑफ करोगे ठीक है तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन जब ये पूरा स्विच ऑफ ऑन करके छोड़ दोगे या ऑफ करके छोड़ दोगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली ये क्यों है, तो देखिए जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया था करंट लो से हाई मूव किया, और जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज हुई फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया ठीक है, जिसकी वजह से क्लोज सर्किट में करंट भी प्रोड्यूस हो गया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। लेकिन जैसे ही की आप कंप्लीटली ऑन कर दोगे तो आप देखो जो प्राइमरी क्वाइल है इसके अंदर जो आपका करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब कांस्टेंट करंट हो जाता है तो कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आता है ठीक है। अब कुछ इसमें पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। तो व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, कहने का मतलब जब ऑफ करते हो तो मैक्सिमम से जीरो होता है, अगेन फ्लक्स चेंज, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में ठीक है। यानी जब आप बैटरी को स्विच को ऑन करोगे तब एक डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, और जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो एक डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में। अब हम देखते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मालूम भी होगा फराडे इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बेस्ड एक लॉ दिया जिसको हम फराडे लॉज ऑफ ईएमआई कहते हैं। और देर आर टू लॉज विच इज गिवन बाई दी फराडे, दैट वॉज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सर्किट एंड ईएमएफ एंड हेंस अ करेंट इज इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट, However, it last only so long as the magnetic flux is changing. यानी कि जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ऊपर पिछले चैप्टर में हमने बता दिया था, पिछले लेक्चर में, आइदर बी चेंज करिए, ए चेंज करिए या ओरिएंटेशन चेंज करिए, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा सर्किट के अंदर, और उस ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, और वही करंट की वजह से आपने देखा ऊपर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस था, और ये तभी तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंड लॉ जो इन्होंने दिया वो था डायरेक्शन के लिए, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डिफाइन किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, दैट इज अगर ई बी दी सिंबल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फाइ बी दी सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू माइनस डी फाइ बाई डी टी। ऑलवेज रिमेंबर माइनस साइन इन्होंने दिया, माइनस या इंडिकेट करता है कि जो ईएमएफ होगा वो हमेशा फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो ट्राई करेगा कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करे। तो आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में हम काफी डिटेल में देखेंगे ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने फराडेज एक्सपेरिमेंट और फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता दूँ, अगर फाई कांस्टेंट होगा तो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, यानी रिलेटिव मोशन या चेंज इन फ्लक्स होना ही होना चाहिए अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको यानी अगर ईएमएफ आपको इंड्यूस करना है सर्किट में तो ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम देखेंगे बाकी लेंज लॉ एंड आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।